प्रदेश की सबसे हॉट रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दीपेंद्र साल 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा से मात्र करीब 7,000 वोटों से हार गए थे। इस बार भाजपा ने अरविंद शर्मा को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस ने दीपेंद्र को अगर रोहतक लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इसके प्रभाव को लेकर पार्टी के थिंक टैंक में बेचैनी बढ़ी हुई है। दीपेंद्र यदि रोहतक का लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो उसी दिन से उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। उनकी राज्यसभा से सदस्यता खत्म होते ही इस सीट विधायकों की संख्या के बल के हिसाब से भाजपा के खाते में जाने तय है। भाजपा यदि किसी कारण से रोहतक का लोकसभा चुनाव हार भी जाती है, जिसकी संभावना 50-50 है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के खाते में राज्यसभा की सीट बढ़ जाएगी, जबकि कांग्रेस लोकसभा की एक सीट प्राप्त करने के बाद राज्यसभा की एक सीट खो चुकी होगी। राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद दीपेंद्र लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। रोहतक से हुड्डा परिवार 9 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है। ऐसे में दीपेंद्र के करीबी लोगों का मानना है कि रोहतक चुनाव लड़कर दीपेंद्र पूरे प्रदेश में ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके राज्य का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। कांग्रेस में पहली पंक्ति का हर नेता स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर चलता है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की सोच ये है कि भले ही कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की एक सीट चली जाए, लेकिन लोकसभा की एक सीट आनी जरूरी है ताकि पूरे प्रदेश की राजनीति को हुड्डा परिवार की तरफ से मोड़ा जा सके। भाजपा की रोहतक सीट को लेकर बहुत अधिक गंभीर है। मौजूदा भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनाव लड़ने और धारा के विपरीत बहते पानी को अपने काबू में करने का हुनर आता है। करनाल, सोनीपत और रोहतक से अरविंद शर्मा सांसद रह चुके हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा चौधर की लड़ाई में भाजपा के पैंथरों को कितना कामयाब कर पाते हैं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। कांग्रेस के दीपेंद्र के रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य बनने की परिस्थिति में उनके खाली हुई राज्यसभा सीट पर करीब 2 वर्ष के लिए अर्थात अप्रैल 2026 तक भाजपा का राज्यसभा सदस्य बन सकता है।